आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फनटूस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर। दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में परेशान है तो मिलावट से। हर जगह मिलावट का सामना करना पड़ता है, जैसे दूध में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, दाल में, चीनी में, गेहूं में, हर चीज में मिलावट, रिश्तों में भी मिलावट, बातों में भी मिलावट, हर जगह मिलावट ही मिलावट है। तो दोस्तों, इस मिलावट पर बहुत ही खूबसूरत रचना है ओम प्रकाश उपाध्याय जी की, जिसका नाम भी है मिलावट। आइए, मैं आज आपको वही कविता सुनाने जा रहा हूं, तो आप भी तैयार हो जाइए हंसने और गुदगुदाने के लिए। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आखिरी तक इस कविता को सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो आइए सुनते हैं ओम प्रकाश उपाध्याय की रचना मिलावट। एक दुकानदार साहब प्रातः उठ राम नाम गाते थे, जबकि शेष दिन मिर्च में ईंट और गेहूं में पत्थर मिलाते थे। फिर भी वो ईमानदार कहलाते थे, क्योंकि अंकित मूल्य 50% बढ़ाकर 10% छूट दिखाते थे। एक दिन वो अस्पताल के बाहर खड़े थे, रोगियों की लंबी कतार में घंटों से अड़े थे। सोच रहे थे, यदि लड़का हुआ तो पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, विदेश भिजवाऊंगा, क्योंकि इस देश में यही होता है कि देश का नेता विदेश का पढ़ा होता है। तभी एक और विचार आई, यदि लड़की हुई तो अनर्थ हो जाएगा, कमाई का सारा धन शादी पे खर्चा जाएगा, और कहीं यह खर्च भी उल्टा रंग न ला दे, ये बहसी समाज मेरी बेटी न चला दे। बोले, हे ईश्वर, संतान के रूप में बेटा ही भिजवाना। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्हें देख वो चिल्लाए, डॉक्टर साहब क्या खबर लाए? डॉक्टर साहब बोले, खबर बुरी भी नहीं मगर अच्छी भी नहीं, कुदरत ने अजब रंग दिखाया है, आपके यहां तो बीज का प्राणी आया है। सुनकर वो रोने लगे, खुद को बहुत कोसने लगे, बोले, हे ईश्वर, तूने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? भीड़ से आवाज आई, घबराए नहीं, ये तो मात्र उदाहरण दिखाया है, आपके घर आपके दुकान का ही मॉडल भिजवाया है। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता? प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो लोग भी देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।